ये देख रहे हैं ना, ये रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ जो है, देखिए रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। देखिए देख रहे हैं ना कितनी स्पीड में जो है कि गधों की तरह दौड़ रहे हैं। ऐसे ही एक्सीडेंट होता है, लेकिन इनको कौन समझाए। देखिए ये पूरी ब्रिज पब्लिक के लिए बनी हुई है, मैं इस वक्त ब्रिज पर ही हूँ, तो किस ये हाल होता है ऐसे लोगों का। मेरे दोस्तों, अभी मैं सऊदी अरब के ताइफ शहर में हूँ और सूक अल जवाल मार्केट के पास में हूँ। यह रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये मेन मार्केट में चला गया है, और यही रास्ता जो है कि सीधे मक्का भी चला गया है और शफा की तरफ भी चला गया है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का खूबसूरत रोड और फ्लाई ओवर ब्रिज, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊँगा कि सऊदी अरब का रोड कैसा होता है और रोड के बीच में जो गार्डन होता है और पब्लिक ब्रिज कैसी होती है। तो देखिए वीडियो बने रहे मेरे दोस्तों। मेरे भाई, मैं अभी ताइफ के शहर सूक बलद के पास ये रोड पे जो है टहल रहा हूँ। मैं आया था सूक मार्केट में सिम कार्ड लेने के लिए, क्योंकि मेरा नेट बंद हो गया था, तो सिम कार्ड कोई जमी नहीं जो है। काफ़ी स्पीड में गाड़ी आ रही है, देखिए। सऊदी अरब में मेरे दोस्तों एक चीज़ है कि यहाँ पे गाड़ी जो है ना काफ़ी स्पीड पे चलती है, और मार्केट एरिया जो होती है वहाँ पे बकायदा बोर्ड लगा होता है, स्पीड लिमिट जो है कि 40 से लेके 80 तक जो है कि आप मार्केट के अंदर जो है गाड़ी चला सकते हो, और मार्केट के बाहर आउट एरिए में तो 120-140 की स्पीड है। और जो है कि जगह जगह कैमरा भी लगा दिया गया है हाई स्पीड का, अगर कोई ओवर स्पीड जाता है तो भाई सीधे 150 रियाल से फाइन स्टार्ट होती है। ये ब्रिज क्रॉसिंग रोड क्रॉसिंग ब्रिज बनी है, पूरा सूच गलत कह लिया है। चलिए अब हम ब्रिज के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर चल के आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे लेकर चलता हूँ। इंडियन पाकिस्तानी बंगाली लोग हैं यहाँ पे, कंपनी के आदमी लोग हैं, तो सऊदी में आज जुमा का दिन है, छुट्टी आज के दिन होती है, तो ये लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ भी। तो चलिए मैं वहाँ उनके करीब लेकर चलता हूँ, देखते हैं कैसा ये लोग खेलते हैं। ताइफ शहर की खूबसूरती है ये।